नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत में अक्सर कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन ये बात अब सिर्फ स्कूली किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। हमारे पास पश्चिम बंगाल से आज एक खबर आई है। वहां हुगली के आसनपुर गांव में शनिवार को भीड़ ने अमेरिका से आई एक एनआरआई महिला और उसकी बेटी के साथ जबरदस्त मारपीट की और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस अपराध करने वाली भीड़ में आसपास के गांव की महिलाएं भी शामिल थी। लूटपाट के दौरान एनआरआई की बेटी के साथ छेड़छाड़ भी हुई और भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने का उनका अनुभव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बन गया। 75 साल की ये एनआरआई महिला अब एक मिनट के लिए भी भारत में नहीं रुकना चाहती और वापस अमेरिका जाना चाहती है। ज्यादातर लोग इस घटना को मारपीट की एक सामान्य घटना समझ लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस खबर का दायरा बहुत बड़ा है और इसका असर भी बहुत व्यापक है। ये खबर भारतीय समाज के दोहरे चरित्र पर उंगली उठाती है और इससे हमारे देश की छवि पर भी धब्बा लगता है, इसलिए आज हम इस खबर को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा आज हमारे मन में कुछ सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या वर्ष 2030 तक ट्रैफिक दुनिया में लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजहों में शामिल हो जाएगा? क्या भारत सड़क दुर्घटनाओं की राजधानी बन चुका है? और अगर भारत के लोग इसी तरह सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ते रहे तो फिर हमारा देश सुपर पावर कैसे बनेगा? इन सवालों का आधार है वो आंकड़े जो WHO द्वारा जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों ने हमें चिंतित कर दिया है। इसलिए हम भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की जान लेने वाले ट्रैफिक का एक DNA टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम मीडिया की विश्वसनीयता के विषय पर एक संवाद आपके साथ आज करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का मीडिया दुनिया में सबसे कम भरोसेमंद क्यों है। मीडिया में ज्यादातर लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे और आपको ये बताना नहीं चाहेंगे। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने भारत के मीडिया को शर्मिंदा कर दिया है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो यह माना जाता है कि भरोसे को नापने की कोई मशीन नहीं होती, लेकिन एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 28 देशों में एक सर्वे किया और यह पता करने की कोशिश की कि इन देशों में आम लोग कौन से संस्थानों पर सबसे कम भरोसा करते हैं, और इस सर्वे के नतीजे आज आपको चौंका देंगे। इसके अलावा हम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आई लोगों की भीड़ का एक DNA टेस्ट करेंगे। यहां पर सवाल यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा में से किसके शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा भीड़ आई थी। पूरी दुनिया का मीडिया इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पूरी बात शायद किसी ने नहीं बताई होगी, और इसीलिए आज हम ट्रंप और ओबामा के शपथ ग्रहण समारोह का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर एक स्पेशल DNA टेस्ट भी करने वाले हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस आजाद देश की हवा में आज आप सांस लेते हैं उसके पीछे कितने सारे लोगों की कुर्बानियां हैं। अगर आप इस विषय पर गहराई से सोचेंगे तो ये एहसास भी होगा कि आपके ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कर्ज है और वो कर्ज दिल में देशभक्ति की भावना भर के ही चुकाया जा सकता है। इसलिए ये वीडियो विश्लेषण आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का DNA टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जल्लीकट्टू पर प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने इससे जुड़ा संशोधन विधेयक पास कर दिया है। सर्वसम्मति से पास इस विधेयक के बाद अब राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन हो सकेगा। विधेयक ने दो दिन पहले जल्लीकट्टू पर लाए गए अध्यादेश की जगह ले ली है। आज उनकी जीत हुई है, उन लोगों को इसका उत्सव मनाना है, मगर दुरदृष्टवशात कुछ असामाजिक तत्व उसमें बीच में घुस करके वहाँ पर देशद्रोही देश विरोधी नारे लगाने लग गए। इसको लेकर के वहाँ आज हिंसाचार भड़क उठा। उधर जल्लीकट्टू को लेकर पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन जारी है। चेन्नई के मरीना बीच पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो उठी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और वहां खड़ी गाड़ियों को भी जला डाला। प्रदर्शनकारी जल्लीकट्टू पर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। चेन्नई के अलावा मदुरई और कोयम्बटूर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। कोयम्बटूर में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 5 लोग घायल हो गए। अनपढ़ लोग लगते हैं ये सारे जो प्रोटेस्टर्स, बिकॉज ये कहते हैं ये टेम्पररी है। अरे क्या लॉ कैसी टेम्पररी हो सकती है? लॉ इज परमानेंट अनलेस इट इज रिपील्ड। जल्लीकट्टू पर हिंसा को लेकर अभिनेता रजनीकांत ने भी दुख जताया है। रजनीकांत ने शांति के लिए लोगों से अपील की है।
समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। अपर्णा मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, वो पहली बार चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की जिसमें अपर्णा का नाम है। विधानसभा क्षेत्र संख्या 174 लखनऊ मध्य, श्री रविदास मेहरोत्रा। विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट, श्रीमती अपर्णा यादव। लखनऊ कैंट से बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी को उम्मीदवार बनाया है। रीता पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहां से विधायक बनी थी, उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताया। मैंने बहुत मेहनत की अपने क्षेत्र में और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी की बहुत जबरदस्त वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं, तो ये चुनाव बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। फिर भी हम पूरी मेहनत करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी को बजट पेश करने को हरी झंडी दे दी है। बजट टालने को लेकर दायर एक जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का हवाला देकर बजट टालने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजट से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी बजट होता है वो सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस प्रक्रिया को रोका जाए, इस प्रक्रिया का जो है वो राजनीतिकरण किया जाए, हमें लगता है कि ये कतई ठीक नहीं होता। 2012 में भी जब चुनाव थे तो बजट पेश हुआ था, मगर कोई घोषणाएं नहीं होती है। हमारा मेन जो पिटीशन का हमारा मेन पॉइंट था वो ये था कि बजट पेश हो, वोट ऑन अकाउंट हो, लेकिन कोई लोक लुभावने जो जिस तरह की बातें आती हैं वो बजट में नहीं होनी चाहिए, जो कि वोट को इन्फ्लुएंस कर सके। इस बार रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा। बजट के लिए 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाया गया है। बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है, जिसका नेतृत्व सीबीआई के मौजूदा निदेशक आलोक वर्मा करेंगे। एसआईटी कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमएल शर्मा पैनल की रिपोर्ट को देखेगी। एमएल शर्मा पैनल ने रंजीत सिन्हा पर सवाल उठाए थे। रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने सीबीआई निदेशक रहते हुए कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के मामले में एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी का गठन करवाया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के ऐसे प्राइवेट स्कूल जो सरकारी जमीन पर बने हैं, वो बिना सरकार की अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि स्कूल या तो नियम माने या सरकारी जमीन छोड़ दे। इट इज सर्टेनली अ सेटबैक फॉर द प्राइवेट स्कूल्स एंड अ विक्ट्री फॉर द पेरेंट्स नॉट ओनली ऑफ दिल्ली बट ऑल ओवर द कंट्री। 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल अपनी इच्छा से फीस नहीं बढ़ा सकते, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली में करीब 400 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 25 बच्चों को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में 12 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। इनमें से 4 बच्चों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। पश्चिम बंगाल की शिवानी गोद और तेजस्वी प्रधान को गीता चोपड़ा अवार्ड, उत्तराखंड के सुमित ममगई को संजय चोपड़ा अवार्ड और छत्तीसगढ़ के तुषार को बापू गेठानी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम ने इस मौके पर बच्चों को आपस में मेलजोल बढ़ाने के टिप्स भी दिए। आज से 50 साल के बाद भी याद रहना चाहिए कि हम लोग 5-7 दिन साथ में रहे थे, उस इलाके से वो बच्चा आया था, वो बालक आया था, उसने ऐसा किया था, और कभी आपका भी उस प्रदेश में जाना हो जाए तो खोजना चाहिए कि भाई वो बालक मेरे साथ था, जरा मिलू आए कहीं मिले। वीरता पुरस्कार पाने वाले सभी बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लेंगे। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची लेखिका तस्लीमा नसरीन को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम स्थल डिग्गी पैलेस के बाहर कई मुस्लिम संगठनों के सदस्यों ने तस्लीमा के कार्यक्रम में शामिल होने पर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने वहां तस्लीमा के खिलाफ नारेबाजी की।
एनआईए ने हीराखंड एक्सप्रेस रेल हादसे की जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम आज आंध्र प्रदेश के कुनेरू पहुंची। हैदराबाद से फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची। फोरेंसिक टीम ने हादसे की जगह से सबूत जुटाए। हादसे की वजह पटरियों के साथ छेड़छाड़ को बताया जा रहा है। जांच टीम इस बात का पता लगा रही है कि हादसे के पीछे कोई आतंकी साजिश थी या फिर तकनीकी खराबी। रेलवे ने हीराखंड एक्सप्रेस हादसे के पीछे साजिश का संदेह जताया है। शनिवार को जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। हादसे में 39 लोग मारे गए थे। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दलसिंह सराय स्टेशन के पास रेल ट्रैक पर अज्ञात अपराधियों ने दो कंक्रीट स्लैब रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची थी, लेकिन गश्त करने वाले रेल कर्मचारी ने समय रहते इसे देख लिया। रेल कर्मचारी को देखकर अपराधियों ने उसे गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद उसने स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने जाकर कंक्रीट स्लैब को हटाया। अब पुलिस जाँच कर रही है कि स्लैब रखने वाले लोग कौन थे। अब ट्रैक पर दो स्लीपर रखा हुआ था लगभग 4 फीट का, और पेट्रोल मैन जब वहाँ पर हटाने के लिए गया तो पेट्रोल मैन को 4-5 लोग आए और उनको धमकी देकर भगा दिया गया। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार कार ने एक आदमी की जान ले ली। कल रात IIT के पास एक BMW कार ने टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हादसे के आरोपी 24 साल के शोएब कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। जो BMW कार जो ऑफेंडिंग व्हीकल है, जो पीछे से उसको टक्कर मारा था, उसके गाड़ी के नंबर से उसके ओनर का ट्रेस करके हमें यह मिला कि उनका बेटा शोएब कोहली 24 साल का वो गाड़ी को कल ड्राइव कर रहा था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाला नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। नजरुल परिवार में अकेला कमाने वाला था। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले आज विजय चौक से लाल किले तक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने अपना दमखम दिखाया। सेना के बेड़े में शामिल हथियारों का प्रदर्शन भी राजपथ पर किया गया। परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर, गुजरात से लेकर असम तक कई राज्यों ने अपनी संस्कृति की झलकियां पेश की। पश्चिम बंगाल के दंगा पीड़ित लोगों ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मदद की गुहार लगाई। स्वाधिकार बांग्ला फाउंडेशन के बैनर तले पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ से दंगा पीड़ित परिवार दिल्ली पहुंचे। इन लोगों ने NHRC से मामले की CBI जांच की मांग की। पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। 178 घर और ये दुकान जलाया गया था, कुछ बचा नहीं है, और इससे भी बहुत घृणित घटना वहाँ पे हुआ था, वो हम बता नहीं सकते हैं चैनल पर। तो ये मुद्दे लेके हम NHRC के पास आए हैं। कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में 3 दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 13 दिसंबर को धूलागढ़ में हिंसा हुई थी।